वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा नाम है राघव एंड यू आर वाचिंग मिस्टर नीट व्लॉग्स। तो अभी मैं हूँ आगरा फोर्ट पर। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं अभी कार में ट्राईपॉड रखने गया था। ट्राईपॉड अलाउड नहीं है यहाँ पर, बाकी सब कुछ अलाउड है, बस खाने का सामान और ट्राईपॉड अलाउड नहीं है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आजाद। तो आजाद भैया मेरे साथ हैं जो कि हमको गाइड करने वाले हैं आगरा फोर्ट में। अकबर ने शुरू किया इस फोर्ट को बनवाना 1565 में। 8 साल अकबर ने बनाया था। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 4 जनरेशन रहा और अपने अपने टाइम में बनाता गया। टोटल 95 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। ये ऊपर में जो हॉल बने ना, कहाँ पर? ये ऊपर, हाँ हाँ हाँ, गर्म तेल के लिए, हॉट वाटर, हॉट ऑयल, ये वाले। हाँ, ये इधर से हॉट वाटर और हॉट ऑयल गिरता था। ये जो स्लोप है, जब हॉर्स से जाते ना अकबर आते थे घोड़ों पे, तो आवाज़ साउंड होती है उनके घोड़ों की, टापों की आवाज़ें चलती ना, आवाज़ एक गूंजती है। हाँ। जी जी, टक 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 की आवाज़ आती थी, घोड़े आते थे। अकबर का महल है, अकबर ही महल बोलते हैं उसको। कौन सा वाला? वो लास्ट में कॉर्नर साइड में जो सिक्योरिटी गार्ड जाता ना। हाँ। वो अकबर रहता था। अच्छा। और अकबर का बेटा था ना जहांगीर का महल है ये। जहांगीर का रियल नेम था सलीम, इनकी माँ थी ना महारानी जोधाबाई। ये जहांगीर का पैलेस है? ये जहांगीर का, ठीक है, जहांगीरी महल बोलते हैं। शाहजहां के महल अंदर दिखाएंगे जो मार्बल में बनाया। ये बीच में जो रखा हुआ ना जहांगीर का प्याला बोलते हैं, हौज है, बाथटब, हाँ। जो वन पीस में से बना है, सिंगल पीस। अच्छा। 3 स्टेप्स अंदर हैं, 3 स्टेप्स बाहर हैं। जो कुछ जानकार एस्टीएन बताते हैं कि ये जो टब जहांगीर को जब छोटा था ना सलीम, उनको गिफ्ट किया, प्रेजेंट किया था उनके मामा राजा मानसिंह ने, जोधा भाई के भाई थे ना, उनके बर्थडे पर जब दिया था ना, गोल्ड प्लेट से कवर था ये, गोल्ड सारा ब्रिटिश लोग ले गए। तो ये जहांगीर महल का एंट्रेंस गेट है। जब आते थे ना बादशाह, ऊपर में लोग ड्रम बजाते थे वेलकम के लिए, दासियां थी ना, वो फ्लावर फेस्टिवल वेलकम कर। जहांगीरी महल पैलेस, ये इनका बेडरूम है। ये दो रानियाँ थी जहांगीर की, एक थी हिंदू, एक मुस्लिम, मानभाई, और एक मुस्लिम रानी थी ना नूरजहां। नूरजहां का रियल नेम था ना मेहरुन्निसा। ये इनका समर बेडरूम, ये जो बना डाइनिंग रूम है। हाँ, ये टेंपल था हिंदू रानी मानभाई, उनका जो नाम था ना जोधबाई, जोधपुर से थी, जोधाबाई जयपुर से थी, आमिर। पहले यहाँ स्टैचू थी कृष्णा जी की, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, यहाँ पर उनके सिपाही बैठा करते थे, और ये झरोके, ये इसमें रानी बैठती थी, झरोकों से, बाकी राजा बैठते ना ऊपर, किंग्स, ऊपर किंग्स बैठते थे, इधर सारे सिपाही, और इनमें रानी बैठती थी। यहाँ पे नाच गाना होता था, जो भी मनोरंजन के लिए। तो जी ये टंकी, यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता था, और ये जो जितनी भी बॉल्स बनी हुई हैं, ये सारी की सारी हॉलो हैं, इनमें से पानी निकल के आता था इसके थ्रू, और इसमें आके इसमें मिल जाता था पानी, और इसमें से नदी मिल जाता है। इसमें से ये होल्स हैं, इनके थ्रू डायरेक्ट वो पहुंचता था नदी में, जो कि यमुना रिवर है बाहर, है ना। मैजिक विंडो दिखाएंगे आपको, ये हवा महल बोलते हैं, नेचुरल एयर कंडीशन रूम। ये दीवार है ना हॉलो है, अंदर से खाली है, बीच में मट होता है ना, मिट्टी, सॉइल, भूसा होता है ना, भूसा, वो कवर्ड है, जैसे थर्मस होता है, पानी चलता रहता है ना, कूल रहता था। समर में यहाँ रहते थे, रिवर से हवा आ रही थी, टकरा कर ठंडा रहता था। ये वेंटिलेशन सिस्टम, क्रॉस वेंटिलेशन, मैजिक विंडो भी बोलते हैं यहाँ के लोग। यहाँ से बंद दिखाई देती है ना, ये बंद है ना, क्लोज, अंदर जाकर देखिए, अंदर से ओपन है, हवा टकरा के जाती थी अंदर। बाहर से बंद दिखती है। अच्छा।
अंदर से खुली हुई है। ये मैजिक विंडो है। ये कैसे है यार? ये बीच में देख चलते हैं हम, शाहजहां मुमताज का आराम करने का खास महल, उनका बेडरूम देख। शाहजहां मुमताज का बेडरूम है जिसको खास महल बोलते हैं, स्पेशल बेडरूम था। ये जो डिज़ाइन है डायमंड शेप डिज़ाइन है, सब में गोल्ड पेंटिंग था ना, डेकोरेट बाय द गोल्ड, सारा ब्रिटिश जला कर लेगा निकल। और ऊपर में जो देखते हैं ना रिंग हुक लगे हुए, और पंखे होते ना हैंड फैन हवा करने के लिए, दोनों साइड में सिल्वर डोर होते थे, बाहर से पर्दा कर्टन। और ये फाउंटेन है ना बाहर नजर आते हैं, ये स्मेल के लिए चलते हैं ना, रोज़ वाटर परफ्यूम जिससे खुशबू है। तो जहांगीर ने अपने टाइम में यहाँ अंगूर का बाग लगवाया था, तो उसको अंगूरी बाग बोला जाता है, और अंगूर से ताज़ा वाइन बनवाता था ना शराब, वो ड्रिंक ज़्यादा करता था। और ऊपर में जो रूम बने हैं ना सामने, ऊपर नीचे रूम जो है वो उस ज़माने के हरम सराय बोलते हैं, हरम में लेडीज़ें ज़्यादा थी, अनऑफिशियल उनकी गर्लफ्रेंड जैसे 365 लेडीज़ें रहती थी। लेडीज जेल थी क्या? लेडीज जेल, दासियाँ थी ना, लड़ाई झगड़ा करती थी आपस में, तो उनको 7-8 दिन के लिए बंद करते ना, पनिशमेंट देते, उसमें जेल में डाल देते। हाई पैलेस को शाहजहां ने बनाया था ना झरोका के लिए, झरोका बोलते हैं ना बाहर का व्यू देखने, सब कलर्ड पत्थर जड़ा हुआ है इसमें, मूंगा फिरोजा जो रिंग में होते हैं ना वो स्टोन है, जो ही वर्क ताजमहल के अंदर है। बाद में शाहजहां को इधर ही हाउस अरेस्ट किया था, नज़रबंद कैद बोलते हैं, जो हाउस अरेस्ट किया था ना उसके बेटा औरंगजेब ने, औरंगजेब ने तीनों भाइयों को मरवा दिया। देखो यहाँ पर हम हैं, ये है दीवान खास प्राइवेट ऑडियंस, जहाँ शाहजहां ने वाइट मार्बल में जो बिल्डिंग है, ये खास इंपॉर्टेंट मीटिंग चलता था समर में, गर्मी में बोलते ना अंदर, विंटर में बाहर मीटिंग होता था। वो जो ब्लैक सीट है, ब्लैक ऑनेक्स स्टोन है, काफ़ी कॉस्टली स्टोन है, जो बेल्जियम से आया था। वहाँ जहांगीर बैठता अपना, जस्टिस में फेमस था, जहांगीर का न्याय फेमस था। और ये अपोजिट सीट है ना वजीर का है, ये वजीर का है, प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ नीचे में बाजार लगता था अकबर के टाइम में, जो रानियाँ बाहर नहीं जाती ना बाहर से, यहाँ पर सामान बेचने की लेडीज आती थी, वही खरीदारी करती ना, सामान बेचती थी और खरीदती थी। कब मीना बाजार लगता था? मीना बाजार, शाही बाजार। तो ये शॉप्स हैं, ये नीचे में शॉप, वो एंट्रेंस गेट है मीना बाजार आने का, ये मीना बाजार का एंट्रेंस गेट है जी। और ये जो गेट लगे हुए ये शॉप्स हैं? हाँ ये शॉप। और ऊपर क्या है? रिकॉर्ड ऑफिस थे, टैक्स वगैरह होते थे पहले। अच्छा अच्छा, टैक्स चलता था, कचहरी बोलते हैं, पीछे दरबार है, दीवाने आम, दीवाने आम। और ये खास है, ये दीवाने खास है, यहाँ से ताजमहल देखने में काफी दूर लगता है, छोटा भी लग रहा है। अभी आपको वहाँ सर चलकर दिखाएंगे, जो रूम बने हुए वहाँ से दिखाएंगे, ताजमहल को एकदम पास लगेगा, बड़ा भी दिखाई देगा, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं ना आँखों का धोखा। तो वहाँ से चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाएंगे ताजमहल का व्यू। यहाँ से ताजमहल देखने में एकदम पास लगता है, बिग साइज में दिखाई देता है। इसका रीजन ये है देखने का कि वहाँ से जो देखा आपने, जो बीच का डिस्टेंस दिखाई दे रहा था, अब वो यहाँ से डिस्टेंस खत्म हो गया, मतलब रिवर दिखाई नहीं देती है, खाली ताजमहल दिखता है ना, इसलिए बड़ा दिखता है। ये दीवाने आम है, इसको बोलते हैं दीवाने आम, पब्लिक कोर्ट, पब्लिक ऑडियंस। यहाँ फरियादी आते थे ना, मतलब लोग आते थे अपना फरियाद लेकर, अकबर बादशाह यहाँ फैसला सुनाते थे, जहांगीर सब ने यहाँ से हुकूमत किया था। जो ऊपर में जो सीट है वहाँ बैठते थे बादशाह, और दोनों साइड में उनकी बेगम है। ये नीचे जो सीट है ना वजीर, प्राइम मिनिस्टर के लिए था, जो अर्जी लिखते ना कंप्लेंट, पब्लिक बाहर बैठती थी आवाम। इसमें 64 पिलर हैं, और यहीं पीकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस भी बोलते हैं, जहाँ पर एक हीरे लगा हुआ था ना कोहिनूर, बेस कीमती हीरा, जो यहाँ से राजधानी दिल्ली ले गया था ना शाहजहाँ, बाद में वहाँ से नादिर शाह ले गया था तेहरान,
कितना अच्छा इंजीनियर थे आर्किटेक्ट जो बनाया ना इस दीवाने आम को, पब्लिक कोर्ट को, जहाँ बादशाह बैठता ना वो सीट क्लियर दिखती है, कोई बीच में पिलर डिस्टर्ब नहीं करता है। जब अभी तो धूप हो रही है तो कैमरे में नहीं दिखेगा, बादशाह पब्लिक को देखते ना, पब्लिक बादशाह सलामी देते हुए जाते थे। पब्लिक कोर्ट दरबार, इसका नाम दीवाने खाने आम, ये नौबत खाना बादशाह आते ना लंगारे बसे दरबार के समय, रम सेनाई बस यहाँ से आते थे राजा जी, इधर नगाड़े बजते थे इधर, ये जितने भी ये बालकनीज थी इनमें। और अभी हम लोग आ गए वापस से एंट्रेंस गेट पर, जहाँ से हम एंट्रेंस ली थी, यहाँ से जहांगीरी महल से हमने एंट्रेंस ली थी और इसी गेट से हम वापस आ गए।